सोनभद्र के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति से हर कोई रूबरू है। यहां से विद्यालय में अध्यापकों का पढ़ाई में लापरवाही या आए दिन मिड डे मील की समस्याएं लगातार आती रहती हैं। लेकिन सोनभद्र जिले के एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जो अपनी मेहनत, लगन और निजी साधन संसाधनों से विद्यालय का स्वरूप बदल दिया, जिससे जिला अधिकारी सोनभद्र ने 2013 से लेकर 2019 तक लगातार प्रधानाचार्य को सम्मानित किया है। प्राचार्य वर जयसवाल ने बताया कि 2012 में ट्रांसफर होकर यहाँ आए तो स्कूल हालत बहुत ही खराब थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विद्यालय को बेहतर बनाया जाए, मरम्मत के लिए प्रशासन से मदद मांगी जाए। वो नहीं मिली तो खुद के पैसे लगा दिए। सोनभद्र जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर एक सुदर अति पिछड़ा क्षेत्र के दूधी ब्लॉक के बिडर गांव के प्राथमिक विद्यालय को शिक्षिका वर्षा रानी जयसवाल प्राथमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल कलकली बहरा प्रथम दद्दी जिला सोनभद्र ने विद्यालय में 2012 में आई, जबकि विद्यालय की हालत जर्जर भवन जो खंडर में तब्दील हुआ करती थी। बच्चों की संख्या तो कम ही थी, विद्यालय के फर्श जगह जगह से उखड़ गई थी तो स्कूल के बाहर गंदगी फैली रहती थी। लेकिन वर्षा जायसवाल ने अपनी सैलरी के हजारों रुपए खर्च कर निवेदिका ने स्कूल की सूरत बदल डाली है। बिल्डिंग तो दुरुस्त कराई ही है और स्कूल में साथ ही स्कूल के सभी बच्चों को बेहतरीन कपड़े का ड्रेस व टाई बेल्ट स्वेटर जूता मोजा का लाभ दिया। बिडर गांव के पूर्व प्रधान सुरेश प्रसाद ने प्राचार्य की तारीफ करते हुए कहा कि पहले यहां विद्यालय के आसपास कच्ची शराब बनाई जाती थी और हमारे गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते थे, लेकिन अब इसी विद्यालय में सब गाँव के लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा यहीं पढ़े, जिसमें विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए अध्यापकों से पहले से नंबर लगवाते हैं, जिससे विद्यालय की महत्व बढ़ चुकी है। अब इस स्कूल के ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी बोलने लगे हैं, स्कूल में वैसे ही पढ़ाई होने लगी है जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में होती है। मैंने बच्चों में बदलाव के लिए पढ़ने में उनकी रुचि और प्रेरणा जागृत करने का कार्यक्रम शुरू किया। इसके साथ उनको रुचिकर कविताओं का शिक्षण 3D TLM के माध्यम से उनको पढ़ाने का सिस्टम शुरू किया। सूरज का परिवार बहुत सारे ऐसे वर्किंग मॉडल बनाए जिनको बच्चे देख के अपने आप उनको व्यवहारिक जीवन से रिलेट कर सकें। कई विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करना स्टार्ट किया, फिर रुचिकर आनंददायी और सक्रिय कक्षा शिक्षण स्टार्ट किया जिससे बच्चे जुड़ के पढ़े। स्थिति विद्यालय की स्थिति से वो एकदम चाइल्ड फ्रेंडली हो सके उनका माहौल और आने के बाद क्लासरूम में उनको आनंद की अनुभूति हो, ऐसे सिस्टम को मैंने शुरू किया। क्लासरूम का स्थिति जो है वो काफी प्रभावी कर दिया। कागज का सदुपयोग, बच्चों में शिक्षण अभिरुचियों का विकास, रोचक शिक्षण विधाओं का प्रयोग किया, स्कूल और समुदाय की भागीदारी बढ़ाते हुए कई कार्यक्रम ऐसे रखे जो डायरेक्ट गार्जियनों के संपर्क में आकर वो बच्चों और अभिभावक पेरेंट्स का तीनों का एक ऐसा सर्कुलर बने कि शिक्षण की प्रक्रिया जो है और भी अधिक बोधगम्य, सरल और पारदर्शी बन सके। एक शिक्षक होने के नाते मैंने पूर्ण मनोयोग से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अथक पूर्ण प्रयास किया है और विद्यालय में कुछ सूक्ष्म नवाचारों का क्रियान्वयन भी किया है और मुझे आशा है कि इस प्रकार के सकारात्मक प्रयास वे बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक रहेंगे। उसके लिए मैंने कुछ नवाचार किए हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगी, जिसमें फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन स्कूल में, दादा दादी सम्मान समारोह, बच्चों के लिए आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम मैंने किया, बच्चों को योगा क्लासेस कंडक्ट कराया, साथ ही साथ बच्चों में अभिभावकों के साथ जन सहयोग रैलियां निकाली और उनको उत्प्रेरित किया। गुड टच और बैड टच पे एक सत्यमेव जयते का कार्यक्रम था जिसके माध्यम से बच्चों में एक जागरूकता का कार्यक्रम, एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चालू किया मैंने। बाल मेला का आयोजन किया, बाल संसद का आयोजन किया, रीडिंग मेला का भी आयोजन किया स्कूल में, और इसके साथ ही साथ स्कूल में मैं अपने प्रोजेक्टर से, सेल्फ प्रोजेक्टर से बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ। उसमें YouTube के विभिन्न वीडियोस के माध्यम से तथा एक हमारी जो है गवर्नमेंट की ऐप है दीक्षा ऐप, QR स्कैनर, उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षण दिया जाता है जिससे बच्चे माहौल से एकदम प्रभावी रूप से समझते हैं और उसको सीखने के दिशा में कारगर एक स्टेप लेते हैं और सीखते जाते हैं। बच्चों में बदलाव लाने के लिए मैंने सबसे पहले सफाई और स्वच्छता को व्यवहारिक जीवन में उतार कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया। उसके लिए बच्चों को हैंड वॉश सिस्टम स्टार्ट किया। 60% से ज्यादा बीमारियां जो है गंदगी से होती है, हाथ न धुलने से होती है, इसके लिए बाल्टी में नल लगवा के प्रतिदिन साबुन से हाथ धोने का एक सिस्टम शुरू किया और उसके साथ ही साथ बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में आने के लिए उचित ढंग से उनको ड्रेस पहनकर आना सिखाया।
बच्चों को टाई बेल्ट वितरित किया ताकि वो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह अपने आप में एक स्वावलंबी महसूस कर सके कि आत्मविश्वास के साथ भरकर प्रतिदिन स्कूल आए। दूसरा है जीवन जीने का ढंग सिखाया उन्हें कि किस तरीके से साफ सुथरे बाल झाड़कर वो स्कूल आए। नाई से प्रतिवर्ष उनका जो है बाल कटाना शुरू किया, नाई बुलाकर बच्चों में रिबन बांटे, उनके बाल बांधना शुरू किए, जिससे वो वास्तव में जीवन जीने का ढंग सीख सके कि हमें किस तरीके से रहना है इंसान के तौर पर। इसके साथ ही साथ निजी सफाई के प्रति भी जागरूक किया बच्चों को, उनको प्रतिदिन इधर का जो स्थिति है पेयजल का वो फ्लोराइड युक्त पानी है, तो बच्चे के दांत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को ब्रश और टूथपेस्ट वितरित किया स्टार्टिंग में कि एक बार उनको एक अच्छी आदत सिखा दी जाए और उसके बाद वो धीरे धीरे वो करके आने लगे, तो इससे काफी हद तक बदलाव धीरे धीरे आने लगा बच्चों की स्थिति में। जब मैंने प्राथमिक विद्यालय कलकली बहरा में ज्वाइनिंग किया उस समय स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय थी। वहाँ पे एक सहायक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र थे और बच्चों का नामांकन तो बहुत ही कम था, लगभग 38 से 40 के बीच में बच्चे नामांकित थे और उनका ठहराव जो है वो और भी अल्प था और उनके अंदर जो स्वच्छता था वो तो कह सकते हैं कि गंदगी से इतने ज्यादा पीड़ित थे वहाँ के बच्चे कि 2-3 बच्चे काफी हद तक उन्होंने बहुत समस्याओं से जूझा इस स्थिति में। और इसके बाद अभिभावक जो थे उनका बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं था और वहाँ का स्थिति जो था वहाँ पे शराब की एक भट्टी लगा करती थी और 10 गार्जियन अगर स्कूल में संपर्क करने के लिए आते थे या 10 गार्जियनों से हमने संपर्क किया तो उसमें 9 गार्जियन जो है वो शराब पी के ही आते थे। तो ये स्थिति बच्चों के लिए काफी जो है शोचनीय थी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।